नाजिन सखर के न्यू पिंड वे इलाके में अस मौजूद आयो जिते पानी खोड तमाम घनी शदी थी वही है। 15-15 अरड़न अरड़न ताई पानी नथो अचे जैं सबब शहरी तमाम घना परेशान आहिन। पानी खोड जो मसलो आहे काफी 15-15 अरड़न अरड़न पानी न पियो अचे दाढ़ी परेशानी आहे। एतरो वक्त गुजरी वियो आहे हिन गवर्नमेंट हिन वक्त ताई हिन खास तौर ते न्यू पिंड जे इलाके वारे माण्हुनि जे लाइ का अड़ा कदम न खया इन मू ढा परेशान पानी के हवा से गार्डन से गढ़ गार्डन से इतों जहाँ मू लद पलान कर तैयार थे जो इतों जहाँ रहवासी उन्होंने जहाँ बार एडा परेशान पानी भरे भरे गुर्बत जो दौर आ गैलन में जेरी कैन में पानी था भरे अचन और इतने जहाँ चूंडियल नुमाइंदा वोट वठण जलाए असा वट आया वोट वठी वया स्टिल टाइम कोई भी मानू हिते अची के गरीब को इतों के वोटर को यो पुछा ना तो करे तो बाबा तहां वट पानी आए पुजे तो पानी नथो पुजे तमाम तकलीफ है आजार में आन इतों जहाँ मानू लोड शेडिंग जो को ना सजो कम खराब कल आ टे कलाक अढ़ाई कलाक लाइट वजे थी टे कलाक लाइट वजे थी टे साढ़ा टे कलाक लाइट मौजूद आ उनमें यो आए था जैसे असा वट लाइट आए तो जानो पानी असा के सप्लाई दे तो ओडे लाइट कोने इो भी असा के वो एक मतलब तकलीफ जो पाए सा जो है इन्हों मैचिंग ही ना पा में इतने भी लाइट हुए उन जहाँ भी लाइट हुए वो टे चार कलाक पानी इंदा वरी लाइट हली वी वरी वो टे चार बया लीकेज इतने इलाई घनी आ निसासी इन वक्त टेक ओवर कल बिन अढ़ाई साल का पर उन्होंने भी को अड़ो उपाय न किया टाइम तीन जैमें सर्वे करण का इतने लाइना विधी वन जी मानून के पानी की तकलीफ जी उन आजार को बचाया वजे हमें पानी जुमे को भी नहीं मिले कहीं के मुसलमान हैं ये हमारे पे वो बोर्ड लेने आएंगे ये बोर्ड हमारे पे लेने आएंगे जूते लगाएंगे 4 साल हो गए पानी से भर जान आप ये बताओ 15 दिन पानी के बगैर रह सकता एक एक घूंट के लिए अतन्ने के लिए पानी नहीं मिले लेटने के लिए पानी नहीं मिले ये मुसलमानों की हुकूमत जब ये पानी नहीं देवे और गैस और बत्ती तो क्या देंगे 4 साल से पूरा मुल्क रो रहा इनकी जान को इनके कोई असर नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी केन केस उठा मैं तो आप यकीन करना ये बच्चों को अपनों को लेके जाता हूँ इतने इतने गैलन लेके मेरे तो 1 किलो सामान नहीं चल सकता इतने हम परेशान हैं तो कम से कम पानी तो दिला दो और क्या दिलाओ ना तुम रोटी दिलाओ ना कपड़ा दिलाओ हमें पानी दिला दो या पानी भी नहीं पानी के लिए इतना परेशान है सारा दिन रेड़ियाँ ढोते मोड़ते हैं फाटक से ढो ढो के लाते हैं इतना परेशान है सारा दिन बत्ती बंद पानी दे रहे तो लाइट बंद कर दे रहे हैं फिर क्या करें कितने दिन बाद पानी आता है 15-12 दिन बाद ऐसे आ रहा है पानी से ये मसला चल रहा है नए पिंड में कब साल हो गए पानी से तो हम बिल्कुल महरूम हो गए हैं देखो हमारी महिला कैसे कपड़े हो रहे हैं पानी बाहर से ढोया है सारे भीग जाते हैं कंधे में पानी ला ला के मेहरबानी होगी पानी चलवा दो बस यही एहसान होंगे कोई भी हुकूमती नुमाइंदा कोई नहीं आते वोट वाले आते हम भी बोलते भाई जाओ दफा हो जाओ क्या करें हमारे काम के नहीं है ड्यूटियों से आते हैं रात को 5 बजे भी आते हैं शाम को अब अपना घर का काम करें और पानी ढोए बस मेहरबानी होगी पानी चलवा दो हमारे पानी का महीने महीने पानी नहीं आता 15-20 दिन में देव वो भी ऐसा देव बिल्कुल गंदा हाथ ही नहीं धो सकते पियेंगे कैसे नमाज के लिए वजू के लिए 8-8 दिन 10-10 दिन नमाज नहीं पढ़ते वो सारा आजाब किस पे गवर्नमेंट पे भाई हम क्या करें पानी आएगा तो हम इस्तेमाल करेंगे ना रातों का पानी आता नहीं पता 3 बजे आएगा नहीं पता 2 बजे आएगा पता हो एक टाइम हो तो इंसान उसी वक्त कर ले जिस वक्त दिल करता दे देते हैं जिस वक्त दिल करता नहीं देते कितने दिन बाद पानी आता अब भी 15 दिन में आएगा वो भी पता नहीं है कोई 15 दिन हो जाएंगे अब पानी आए हुए आया था वो भी थोड़ी सी देर आया था किसे का भरा किसे का ना किसे कहाँ बैठे हुए हैं गैलन ये इससे पानी कैसे मंगवाएं बताओ तो गैलन वगैरह फिर कहाँ से मंगवाते हो पानी कैसे से लेके आता है गरीबाबाद से लेके मिलता है पैसों का तो नहीं लेके आते लेकिन बोरिंग से भर के लेके आते हैं हमें दिन में पानी मिलना चाहिए रातों को सारी सारी रात जागते हैं दिन में बच्चों को खाना बना के खिलाएं सारी रात को जागे या सोए क्या करें कोई काम नहीं कर पाते सारी रात जागों को पानी के चक्कर में नींद ही नहीं कर पाते कुछ भी ये हुकूमत तो हमें टेंशन दे दे के मारेगी वैसे तो मार नहीं सकते 1 महीने में 1 दफा पानी आता है उसके बाद नहीं देते वो भी अभी 2.5 महीने हो गए इस वक्त पानी नहीं आ रहा है और हर साल जैसे सफाई होती है भल सफाई होती है उसमें तो बंद कर देते हैं दिसंबर में लेकिन जून जुलाई में भी अब बंद होता है पानी और मंथली जो हफ्ते में कभी देते हैं 1 हफ्ता आता है फिर 15 दिन के बाद आता है तो इस तरीके से पानी आ रहा है वैसे नहीं आता तो फिर कैसे आप बाकी गुजारा करा रहते हैं या कहीं किसी के घर से लेके आते हैं पानी बहुत पानी का नेपिंड में बहुत मसला हो गया तकरीबन 2.5-3 साल से मसला हो गया पानी की वजह से हर चीज की परेशानी है घर का काम नहीं होता है बच्चों की हर चीज के लिए परेशानी है घर का काम नहीं बच्चों के कपड़े हैं घर घर सफाई नहीं होती है कुछ भी काम नहीं है पानी से दर काम है 1-1 महीना पानी नहीं आता इधर नलकों में 1-2 लाइनें लगाई उन्होंने भी पानी नहीं आता है पानी नहीं आता बुझू लिए भी नहीं आता आज भी नहीं पढ़ सकते
बच्चे सुकून में नहीं रह सकते। पानी लियाँगे पानी बहुत दिन सात आठ दस दिन में 19 दिन में पानी आए एक दफा आठ दस दिन में रोजाना आठ दस दिन में पानी आवे कद आवा को भी गंदा बिल्कुल गंदा पानी आवे। इसमें क्या है? इसमें कुछ भी ना लियाँगी ना पानी हाँ और क्या बच्चा ने पेड़ ना पानी आंधी रोटी पकड़ना नहीं है गैलन में लियाँगी ना पानी इसे लियाँगी नीचे कैसे उठाएंगे उठा सकती हैं बच्चा ने लेके जाऊंगी बच्चे उठाऊंगी भरूंगी मैं बच्चे उठा के जाऊंगी बच्चा लाइन लगी पड़ी है भरन नहीं दे मैं मार रहा हुकूमत हमको मार रही है तिशाई गैस नहीं है बत्ती नहीं है पानी नहीं है मार रही है हुकूमत और क्या कर रही है मुसलमान नहीं आती बात हम शहर से पानी ला ला थक जाते हैं यहाँ तक पानी का मसला ये सुबह उठते छोटे छोटे बच्चे बोतल ले घर घर इस तरह से पानी के लिए भाग भीख मांगते फिरते लोग पानी नहीं देते इससे बड़ा क्या मसला हुआ एक पानी ही नहीं इसके साथ बेशुमार बुनियादी मसाइल हैं जो हुकूमत नहीं है अभी आपके सामने की रोड पर कल बना के गया टूट गया सबसे पहले तो हम दरिया से किनारे बैठे फिर हम प्यासे दरिया पर इन लोगों को कब्जा करता और हमें पानी देते क्यों नहीं देते असल में गाली है नए पिंड जो इलाको जो है पहाड़ के मतों मुश्तमिल है इतने न जर पानी है असं के सिर्फ़ सिर्फ वाटर सप्लाई के मतों दारो मदार हों 40 सालों को यह इलाके की तकलीफ है पानी की शदीद किल्लत है गवर्नमेंट पैरों टीएमओ के थ्रू हों वाटर सप्लाई जो कने ये सिस्टम हों लेकिन उन्होंने सिस्टम अड़ो धर्म भरम कर छो लेकिन अफसोस की गाल यह है तो शहर में जो वाटर प्लांट फिल्टर प्लांट हुआ उ भी हाँ उन्होंने हटाए छदा हाँ जीडो असोते बिराज कॉलोनी में हो रेंजर्स वन फिल्टर प्लांट वो भी उन्होंने हटाए छो यो बाहिज तश्वीश है असा तो अड़न इलाकन के लिए जो भी मानू के पानी की घुर्ज पौधी हुई वही उतो भरे इंदा हुआ हाँ रो शदी तकलीफ में अची देखें हमारे पास 12 से 15 दिन के बाद पानी आ रहेगा यहाँ पे और अगर वो पानी आ भी रहा है तो इतना शदीद बदबूदार है कि आप इसमें हाथ भी नहीं धो सकते हमारी मस्जिदों में अजानें होती हैं लेकिन अजान के बाद फौरन ऐलान होता है कि मस्जिद में पानी नहीं है घरों से वजू करके आए घर में भी पानी नहीं तो वजू मस्जिदें वीरान हो रही हैं ये हम इस्लामिक स्टेट है और यहाँ पे ये हाल हो गया है कि लोग अपनी इबादत से चले गए पानी का मसला लाइट का मसला ये सारे के सारे मसाइल हमारे साथ मौजूद है अच्छा लाइन डैमेज हो गई आगे से कई दफ़ा हम लोग इसके लिए कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन वो अभी तक इसके लिए कोई बनाने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं हुआ है कि आए और हम इसको देखें लाइन अच्छा इतनी बड़ी आबादी है और 4 इंच की लाइन है इसके अंदर 4 इंच की लाइन में ये 3 घंटे सिर्फ पानी चलता है किसी के पास आता है किसी के पास नहीं आता है तो काइंडली अगर इसको इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाए तो सबको पानी जो है वो इजी अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे नए पिंड में 40 सालों का पानी जो मसलो हले पो मुख्तलिफ सियासी जमातू मुख्तलिफ वक्त में अची कर नारा हणी वन थी वो मसलो उते जो उते पो है 15 दिन का वी 3 महीन तीन मुख्तलिफ इलाक में पानी अचे पो नशासक अचन का पैरों टीएमए वारा जिले इंतजामिया जी दबाव से पानी दींदा हुआ लेकिन हि तो खुदा जा बंदा कंखो डिजन ही ना बल्कि जैसे अस प्रोटेस्ट क्यों था तो हि असा के मजीद सजा दियण के लिए 10 दिन की जगह से 15-20 दिन का बाद पानी दिन था मानून जी इतने फोतगी थी थी वे तो उन भी मानू पैसन से टैंकर घुराए मैयतन जो गुसल जो एहतमाम कन था आए दी अस नए पिंड में पानी जो मसलो है मां केटीएन के तवसु से अरबाब इख्तियार के इल्तिजा कस तो खुदारा असा के पानी के सजा जी दिनी थी वे इन आज़ाद किया वे मानून जहाँ बुनियादी मसला है तो हल क्या पानी का यहाँ पर न्यू पिंड में बहुत ज़्यादा मसला है 15-15, 20-20 दिन में तकरीबन महीने में भी कभी कभार ऐसा होता है कि पानी आता है और वो भी इतना गंदा पानी होता है कि पीने के लायक या हाथ धोने के लायक भी पानी नहीं होता वो यहाँ पर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि लिहाजा पानी फराहम किया जाए और वो भी साफ़ फिल्टर वाला पानी फराहम किया जाए अब मस्जिदों में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं वहाँ पर पानी नहीं होता घर में रहते हैं वहाँ पर पानी नहीं होता अब रोज़ पानी के गैलन वगैरह हम लोग भरकर लेकर आते हैं बाहर से शहर जाते हैं वहाँ कितने गैलन रोज़ाना भरते हैं 5 से 6 गैलन लेकर आते हैं अब बच्चे भी हैं वालदा वगैरह भी उन्हें नमाज़ पढ़नी भी होती है पानी पीना भी होता है बच्चे वगैरह तो ये रोज़ का रूटीन हमारी है कि 5 से 6 गैलन हम रोज़ भरकर लेकर आते हैं और 15-15, 20 दिन में पानी आता है तो क्या किया जाए हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि पानी वगैरह का ये फरामी वगैरह हमें सही की दी जाए हमें यहाँ पर नाजिर सखर के न्यू पिंड के इलाके के रहवासन जहाँ वीचार हम बुधा जी पानी लाए तमाम घना परेशान हैं 15-15, 20-20 दिन पानी न पो अचे हुकूमत का अपील था कन तो उनके पानी दिनों वे
कैमरामैन सईद भयो सां गॾु नोमिता गुल, KTN न्यूज़, सखर।